الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم بزرگوں اور معزز سامعین کرام اور حاضرین جمعہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دولت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، یہ دولت اور یہ دین جو ہے، یوں ہی نہیں ہم تک پہنچا ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام اور صحابہ کرام اور تبع تابعین سبھوں نے جو ہے کہ محنت اور مشقت برداشت کیا ہے، جب جا کر کے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ہم جو ہے اس دین کی قدر نہ کریں تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ اس دین کے خاطر صحابہ کرام نے کیسی تکلیفیں اور کیسی جو ہے کہ مصیبتیں برداشت کی، آج اگر اس طرح کی تکلیف اور پریشانی اگر ہمیں دی جائے تو ہم برداشت کرنے کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں ہے۔ ہمارا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، اس کا نقشہ جو ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ فقال انا ربکم الاعلی، کہ فرعون جو بہت بڑا بادشاہ تھا، ظالم اور جابر بادشاہ تھا، جس کو بچہ بچہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لاش کو عبرت کے لیے ابھی تک جو ہے کہ میوزیم کے اندر محفوظ رکھا ہے، تاکہ آنے والے لوگ اس کو دیکھ کر کے جو ہے کہ عبرت حاصل کریں۔ اور یہ فرعون جو تھا، یہ اپنے آپ کو خدا کا خدائی دعویٰ کرتا تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا کہ میں رب ہوں، میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں۔ اسی فرعون کا ایک واقعہ ہے۔ اس فرعون کے دربار میں ایک اللہ والی حضرت مشاطہ، یہ اس کے دربار میں کام کرتی تھی، اور اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ اس دربار کے اندر جتنی لڑکیاں ہوتی تھی، چاہے وہ فرعون کی بیٹی ہو یا اس دربار میں کام کرنے والی کوئی بھی عورت،
तो हजरत मुशाता का काम ये था कि उस दरबार में जितनी औरतें होती थी उस सब के बाल बनाती थी। एक दिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हजरत मुशाता जो है कि फिरौन की बड़ी लड़की का जो है कि वो बाल बना रही थी, और बाल बनाते हुए कंघी जो है ये हजरत मुशाता के हाथ से गिर गया। अब हम लोग के हाथ से भी अगर कोई चीज़ छूट जाती है या गिर जाता है तो हम लोग भी जो है कि फौरन जो है कि यूं कहते हैं या अल्लाह। तो हजरत मुशाता के हाथ से जैसे ही वो कंघी नीचे गिरी, हजरत मुशाता ने कहा या रब्बे मूसा, यानी ऐ मूसा के रब। तो ये जुमला जो है कि फिरौन की बेटी जो है उसने सुन करके कहा कि ये तुम क्या कह रही हो कि ऐ मूसा के रब, कि रब तो मेरा बाप है, लोग जो है कि मेरे वालिद को जो है कि रब मानता है, और जो तुम कह रही हो कि मूसा के रब। चुनांचे ये बात जो है हजरत मुशाता और फिरौन की बड़ी लड़की के दरमियान में बात होने लगी। हजरत मुशाता ने कहा कि मैं जो है कि मूसा के रब पर ईमान ले आई हूँ, मैं तुम्हारे बाप को रब नहीं मानता हूँ, तुम्हें जो चाहे जाओ कर लेना, तुम्हें अगर अपने अब्बू से ये बात पहुंचाना है तो जा करके पहुंचा दे, वो मेरा जो चाहे वो कर लेगा, लेकिन मैं तो ईमान ले आई हूँ मूसा के रब पर। अब जो है इसके बाप के शान की बात थी कि सब लोग जो है कि मेरे वालिद को रब मानता है, और ये लड़की मेरे दरबार में काम कर रही है और मेरे बाप को ही रब नहीं मान रही है। अब जो है कि इसने अपने वालिद के पास गई और कहने लगी कि ये मुशाता जो है कि हम अपने दरबार में काम करती है, हम उसको तनख्वाह देते हैं, और वो तो ईमान मूसा के रब पर लाई है। अब जैसे ही ये जुमला फिरौन सुना, ये गुस्से से भड़क उठा कि सारे लोग तो मुझे रब मानता है और ये मेरा ही खा करके जो है कि मुझे रब नहीं मानती है। उसके बाद में हजरत मुशाता को फिरौन बुलाया दरबार में और सारे दरबारियों को जमा किया, और जमा करने के बाद में हजरत मुशाता से पूछा कि तुम जो है कि मुझे रब मानती हो या मूसा के रब को रब मानती हो। अब उस पूरे मजमे के अंदर में जो है कि हजरत मुशाता ने फरमाया कि मैं जो है कि हजरत मूसा के रब को रब मानती हूँ, मैं उस पर ईमान ले आई हूँ। हजरत मुशाता ने फरमाया قالت آمنت برب العالمين رب موسى وهارون, कि जो मूसा का और हारून का रब है वही मेरा रब है, लिहाजा मैं आपको रब नहीं मानती हूं। अब उस मजमे के अंदर में जो है फिरौन के तकब्बुर की वजह से जो है इसका गुरूर चकनाचूर हो गया। उस मजमे के अंदर जिसके अंदर सब लोग फिरौन को रब मानता है, उस मजमे के अंदर जो है कि हजरत मुशाता उसके हौसले को जो है कि हमें दाद देना पड़ेगा कि उस मजमे के अंदर जो है कि वहाँ जो है कि इनकार कर दे कि तुम जो है कि मेरा रब नहीं हो, मेरा रब तो वह है जो मूसा और हारून को पैदा करने वाला। उसके बाद में हजरत फिरौन ने जो है हजरत मुशाता से कहा कि तुम्हें जो है कि मोहलत दिया जा रहा है, और 24 घंटे का मोहलत दिया जा रहा है, और तुम जो है कि सोच लो और समझ लो अच्छी तरीके से
कि तुम जो है कि मुझे रब मानना चाहती हो या मूसा के रब को रब मानना चाहती हो। फिर जो है कि कल होकर के दरबार लगा, फिरौन आया, उस मजमे के अंदर हजरत मुशाता को बुलाया गया और उस वक्त जो है कि फिर पूछा गया कि अब बतलाओ कि तुम किसको रब मानती हो, मुझे रब मानती हो या मूसा के रब को रब मानती हो। तो हजरत मुशाता ने फरमाया कि मैं जो है कि एक मर्तबा जब मैं ईमान ले आई तो मैं बदल नहीं सकती। उस मजमे के अंदर जो फिरौन जो है कि उस वक्त जो है कि लोगों को सजा देता था, तो फिरौन जो सबसे पहले जो सजा देता था किसी मुजरिम को, तो उसका सबसे पहले जो है कि ये कपड़ा उतार देता था, उस मुजरिम को ये नंगा कर देता था, और नंगा करने के बाद में जो है कि उसको तपती हुई रेत पर और गर्म रेत पर जो है उसको लेटा देता था, और वो मुजरिम चिल्लाता था और यहीं तक उसको नहीं छोड़ता था, बल्कि इसके हाथ और पांव को जो है कि दीवालों में इस तरह कर करके जो है और उसके अंदर कील को गाड़ दिया जाता था, और वो कील को गाड़ते हुए हजरत मुशाता को जो है कि सुला करके जो है कि उसके हाथ और पांव में कील को गाड़ता था, और कील इतना गाड़ता था कि वो जमीन के अंदर चला जाए। और वो कील को गाड़ते हुए फिरौन पूछता था कि अब बतलाओ, अब भी जो है कि अगर तुम मुझे रब मान लेती हो तो मैं तुझे इस सजा से जो है कि छुटकारा दिला दूंगा। लेकिन उस वक्त भी जो है कि हजरत मुशाता ने कहा कि ये एक मर्तबा जिस रब पर ईमान ले आई वो जो है कि वापस नहीं होने वाली। उसके बाद में जो है फिरौन की जो बड़ी लड़की थी, इसने अपने वालिद से कहा फिरौन से कि आपको मालूम है कि इसके पास एक छोटा बच्चा भी है जो दूध पीता हुआ बच्चा है, आप ऐसा करें कि उस बच्चे को तलाश करवाए और उस बच्चे को लाए, और माँ की ममता और उस बच्चे के दरमियान की जो मोहब्बत है, कहीं उसकी वजह से जो है कि अगर आप बच्चे को तकलीफ देंगे या बच्चे को सजा देंगे तो इसकी मोहब्बत में कहीं आकर के आपके ऊपर ईमान ले आए। फिरौन ने हुक्म दिया कि जाओ इसके बच्चे को ढूंढ करके लाओ। हजरत मुशाता के बच्चे को गए लोगों ने ढूंढ करके लाया, और ला करके उसके सीने के ऊपर रख दिया गया, और जैसे ही बच्चे को माँ के सीने के ऊपर रखा, बच्चे जो है कि दूध पीना शुरू कर दिया। उसके बाद में फिरौन कहता है कि अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाई तो मैं तेरे बच्चे को जो भी जो है कि कत्ल कर दूंगा। तो हजरत मुशाता ने कहा कि तुम्हें जो सजा देना है दे दे, लेकिन मैं ईमान से फिरने वाली नहीं हूं। फिरौन ने अपने दरबारी जल्लाद को हुक्म दिया कि जाओ इस बच्चे को कत्ल कर दो। बच्चे जो है कि माँ के सीने पर बैठा हुआ है, जल्लाद जो है कि वो तलवार लेकर के निकलता है और जो है कि उस बच्चे को ऐसा मारता है कि उसके दो टुकड़े कर देता है। दो मिनट पहले वो बच्चा जो अपने माँ की दूध पी रहा था, आज उस बच्चे का माँ उस बच्चे का खून जो है कि माँ के छाती के ऊपर लिपटा हुआ है। उसके बाद भी जो है कि फिरौन उसे पूछता है कि अब बतला कि अब भी जो है कि तू ईमान लाती है या नहीं। तो हजरत मुशाता ने कहा कि मुझे ईमान से फिरने का एक ही चीज था, जो मेरे ईमान से फिरने के जो पर्दा था जो था वो मेरा लड़का था, वो मेरा बेटा था जो मेरे मोहब्बत के अंदर जो है कि वह हायल हो रहा था, लेकिन अब तो उससे भी तुमने ख़त्म कर दिया। अब जो है कि मैं और मेरा रब है, इस ताल्लुक को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। अगर मुझे जो है कि तुम टुकड़े टुकड़े भी कर दो, लेकिन ये मुशाता जो है कि वो ईमान से फिरने वाली नहीं है। आखिरकार जो है कि उस तकलीफ की वजह से ही हजरत मुशाता जो है कि वो इनका इंतकाल हो गया, लेकिन उनके अंदर ऐसा जज्बा था कि इतनी तकलीफ और उसके सामने में बच्चों को कत्ल कर दिया जाता है
और माँ को भी शहीद कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी जो है कि उनके पास कैसा ईमान था कि बच्चे को शहीद कर डाला, अपने आप को शहीद हो गई, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। तो आज भी मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें भी जो है कि इस तरीके का हमें और आपको ईमान बनाना पड़ेगा। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर हमें जमना पड़ेगा और चलना पड़ेगा, वक्त की कुर्बानी देना पड़ेगा, जब जा करके जो है कि इनके जैसा जो है कि हमें और आपको ईमान बनाना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ ले जा रहे थे, आप पहले आसमान का सफर किया, दूसरे आसमान का सफर हो गया, जब तीसरे आसमान का सफर आपने किया और तीसरे आसमान से चौथे आसमान का सफर जो है कि वो 500 साल की मुसाफत है, जब आप जो है कि तीसरे आसमान से चौथे आसमान के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में एक ऐसा मैदान आपको नजर आया जो बहुत वसी मैदान था, और उस मैदान में से ऐसी खुशबू आ रही थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि अल्लाह ने कहीं ऐसा नहीं है तो कि यहीं पे जन्नत रखा हो, क्योंकि मैंने पहले आसमान का सफर किया, ऐसा कोई ऐसा मंजर नहीं देखा, दूसरे का भी मैंने सफर किया, तीसरे का भी मैंने सफर किया, लेकिन ऐसा मंजर नहीं देखा जो मैंने चौथे आसमान के लिए सफर किया था। तो आपने एक ऐसा मैदान देखा जिस मैदान से जो है कि खुशबू ही खुशबू नजर आ रही थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल, कि अल्लाह ने जन्नत को यहीं रखा है? तो हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि अल्लाह ने तो जन्नत को 8 आसमान से ऊपर रखा है, यानी 8वें दर्जे पर रखा है, 7 आसमान के ऊपर। तो फिर आखिर क्या माजरा है कि ये एक बड़ा मैदान है और यहाँ से खुशबू ही खुशबू नज़र आ रही है? तो हजरत जिब्राइल ने फरमाया कि ये वो जगह है जहाँ पर जो है कि फिरौन के दरबार में एक औरत थी जिसका नाम हजरत मुशाता था, वो जो है कि ऐसी कुर्बानियाँ उसने दी और अल्लाह ताला ने उसके मकाम को, उसके कब्र को जो है चौथे आसमान पर रखा है, और सिर्फ उसके कब्र को नहीं बल्कि उसके जो है कि नौ मौलूद जो बच्चे थे जिसको फिरौन ने अपने दरबारियों से कत्ल करा दिया था, उस बच्चे की कब्र भी जो यही है। उस कब्र की वजह से जो है हजरत मुशाता और उस बच्चे के कब्र की वजह से जो है कि अल्लाह ने जो है कि इस चौथे आसमान को खुशबू खुशबू से जो है कि भर दिया है। तो अल्लाह के रसूल, आप भी उस कब्र के पास जाइए, और जब आप उस कब्र के पास चले जाएंगे, अल्लाह तबारक व ताला जो है कि हजरत मुशाता के लिए जो है कि जन्नत के दरवाजे खोल देंगे। तो दीन के रास्ते में जो है कि जिसने कुर्बानियां दी, जिसने तकलीफ बर्दाश्त की, अल्लाह तबारक व ताला जो है कि उसके लिए हर चीज का जो है कि रास्ता हमवार कर देता है, और उसके लिए जो है कि मुश्किल चीज को जो है कि अल्लाह आसानियां पैदा कर देता है। तो अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला जो है कि हमें भी इस दीन के खातिर जो है हमें जो है कि मर मिटने वाला बनाए, हमें जो है कि तकलीफ़ बर्दाश्त करने वाला बनाए, चाहे जिस एतबार से हमें दीन को ज़िंदा करने के लिए, दीन को कायम करने के लिए अगर हमें तकलीफ़ हो रही है तो हम इस तकलीफ़ को बर्दाश्त करें, क्योंकि जो है कि सहाबा कराम और जो है कि उन लोगों ने जिस तरीके का जो तकलीफ़ बर्दाश्त किया है उसका अदना सा जो है कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये दीन हम तक बड़ी मुश्किल से आया है, बड़ी कुर्बानी से आया है, बड़ी मशक्क़त से ये दीन हम तक पहुंचा है, ये आसानी के साथ नहीं आया है, बल्कि हम सब जो है इस दीन की कदर करें, इस दीन की जो है कि हम सब कदर करेंगे जब तक जो है कि हम ये दीन आगे नस्लों तक जाएगी। अगर हमने इस दीन को छोड़ दिया, इसकी कदर जो है कि हमने छोड़ दिया, तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें जो है कि ये दीन यहीं तक जो है कि बाकी रह जाएगी अगर हम इस दिन के ऊपर मेहनत नहीं किए तो। तो दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला से अल्लाह ताला हमें भी और आप तमाम हजरात को जो कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।